अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं? नर्जी किधर गई है मेरे बच्चे की? नर्जी से बोलो जिस तरह पहले बोलती थी, वो पुरानी वाली आयशा किधर गई? जल्दी जल्दी बोलो। हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं? नहीं आयशा, जोर से बोलो। नहीं मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। पानी वाली हमारी बॉटल जो है वो फिर खत्म हो गई है, यहाँ तक पहुँच गई है, तो पानी वाले को कॉल करके पहले जल्दी जल्दी पानी मंगवा लेते हैं। अभी जो मैं आप लोगों को बताया लोगों ने आगे स्किन केयर रूटीन अक्सा की, अक्सा ही बताएगी, लेकिन सब लोग बहुत पूछ रहे थे कि अक्सा आप कौन सा सीरम यूज करती हैं। सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, अगर आप लोगों ने ऑर्डर करके ऑनलाइन मंगवाना हो तो ये व्हाट्सएप का नंबर है। अक्सा भी जब भी अक्सा को ये सीरम अक्सा के खत्म होते हैं तो अक्सा इनसे ही ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाती है। ये वाले सीरम है, आप एक दफा नाम भी इनके पढ़ लें, ये आप लोगों को ताकि बॉक्स जो है ना वो याद रहेंगे। और अभी अक्सा आपको इनकी ना सारी क्वालिटी बताती है, किस किस चीज के लिए काम आते हैं। तो अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना है, ये सामने नंबर आ रहा है, अभी व्हाट्सएप पे जाके आप लोग अपना ऑर्डर कर सकते हैं। काफी लोग अक्सा ज्यादा बहुत ज्यादा पूछते हैं, मतलब कॉमेंट्स मैं भी पढ़ रहा होता हूँ, अक्सर ही पढ़ी होती है, साथ साथ लोग पूछ रहे होते हैं अक्सर कि अक्सर आप कौन सा सीरम यूज कर रही हैं, या आप अपने स्किन केयर के लिए या फॉर एग्जांपल हेयर केयर के लिए क्या यूज कर रही हैं। बरन आज अक्सर आपको बताने लगी है स्किन केयर के सीरम्स वगैरह जो अक्सर यूज करती है। बिल्कुल, मैंने अलीपुर से ना वो शादी पे करवा लिया था फेशियल, आपको बताएंगे ना, और मेरे मुंह पे इतने पिंपल निकलते जा रहे, निकलते एक ठीक होता दूसरा निकलता, और पिंपल्स तो वगैरह रह गए, उनके जो डार्क स्पॉट्स से पड़े हुए थे, ठीक है, आप लोगों ने मेरा भी यहाँ से माथा देखा होगा, मुझे भी थे, लेकिन अक्सा को देखने के बाद ना मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी यूज कर लूं। वैसे मेरे अभी यहाँ पे माथे पे थोड़े से निशान है, लेकिन अक्सा ने जो फेशियल करवाया था मैंने बड़ा रोका था कि ना फेशियल करवाए, मुझे शौक चढ़ा था, मैंने करवाया भी फर्स्ट टाइम था। बैठ जाए, वो भाई साहब बुला रहे हैं आपको, ये लो। तो मैंने फर्स्ट टाइम करवाया था तो वो मेरे मुंह पे इतने पिंपल्स निकल आए, और अली ने मुझे मना भी किया, फिर भी करवा लिया, लेकिन पिंपल निकले, मैं तो इतनी परेशान हो गई। अगर पहले तो बात अक्सा बता दी कि अक्सा ये वाले सीरम रेगुलर यूज कर रही है, ठीक है, एक तो अक्सा ने आपको बता दिया कि एक्ने के लिए बड़े अच्छे हैं, उसके बाद डार्क स्पॉट्स पड़े हैं, फॉर एग्जांपल आपको रिंकल शिंकल पड़े हैं उसके लिए, स्किन वगैरह लटक रही है, रिंकल वगैरह पड़ रहे हैं, डार्क स्पॉट और सारा कुछ, ये मतलब हर चीज को ना स्किन को रिपेयर करते हैं। बिल्कुल, इस तरह आप लोग ये वाले सीरम यूज करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं कि अक्सा मतलब फॉर एग्जांपल अक्सा ने कोई मेकअप वगैरह नहीं भी किया, नेचुरल स्किन की नजर आ रही है, तो अक्सा ये सीरम वगैरह जो है ना कुछ रेगुलर यूज करती रहती है। बाकी इसका रिजल्ट जो है ना एक महीना जब आप लोग रेगुलर यूज करेंगे ना तो आप लोगों को रिजल्ट पता लगेगा, शाइन भी आती है और सारे निशान जो उनसे ना वो मिट भी जाते हैं और स्किन शाइनी हो जाती है। और अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल इनको ऑर्डर करके मंगवाना है, बल्कि हम लोग तो रिकमेंड करेंगे कि आप लोग इनको जरूर मंगवाएं, बहुत अच्छे सीरम है, ठीक है, मैंने सामने नंबर दे दिया और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, ये सामने भी आप लोगों को व्हाट्सएप का नंबर शोर है, आप लोग जाके वहाँ पे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, और अक्सा का बताने पे आप लोगों को इसके ऊपर जो है ना डिस्काउंट भी स्पेशल मिलेगा। वैसे अक्सा तो यूज कर रही है, सही बात है, मुझे कभी मेरी पॉकेट में भारी नहीं लगा ये वाला सामान, ठीक है ना, आराम से बिल्कुल रीजनेबल इनके प्राइस है, अक्सा ऑनलाइन मंगवा लेती है, मैं पैसे पे कर देता हूँ और ये अक्सा यूज कर लेती है। ये भाई साहब ने हमारी डिबिया संभाल के रखी थी, अगर हमें एक मिनट के लिए मिल जाए, एक इसमें ये वाला सीरम आ जाता है, ठीक है, दूसरा ये विटामिन सी वाला सीरम आ जाता है, आप लोग ये डिब्बी भी देख सकते हैं, ये दोनों का आपको कंप्लीट पैकेज ही मिलता है। वैसे मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप लोग एक मंगवाएं, दोनों ही मंगवाएं तो फिर ही सही काम पता चलेगा इनका, और है भी ये दो का ही पैकेज, ठीक है, तो फिर आपकी तरफ से ये डन है, फुल फुल डन है, सब लोग परचेज कर लें, जी बिल्कुल, आप लोग सारे परचेज कर सकते हैं, जिनके मतलब स्किन को कोई भी मसला है वो रिपेयर हो जाएगा। बिल्कुल, बाकी देखे ना डार्क स्पॉट होते हैं, आइज के ग्रिड सर्कल होते हैं, फॉर एग्जांपल एक्नी वगैरह होती है, तो उसकी सारी ट्रीटमेंट कुछ फाइन लाइंस भी कुछ होती है, अक्सर ऐसे गए तो वो जूनिया सी पड़ने लग पड़ जाती है, तो वो भी आपकी जो है ना इससे बड़ी हद तक कवर हो जाती है। लेकिन आप लोगों ने इसको रेगुलर जो है ना वन मंथ मतलब फोर वीक्स आप लोगों ने यूज करना है, उसके बाद आप लोगों ने इसका रिजल्ट देखना है, और दूसरा इसके साथ स्किन भी आपकी बड़ी हाइड्रेटेड रहती है, हाइड्रेट भी रहती है, और आप लोगों ने जब यूज करना है तो आंखों से परहेज करना है कि आंखों के अंदर ना जाए, और दिन और रात दोनों में आप लोग यूज कर जी, मतलब कि यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हैं, कहने की मुराद है डायरेक्ट आंखों में ऐसे उंगली मारते मुड़ते ना चला जाए, वो अलग सा ये कहना चाह रही है। बाकी एक दफा मैं आप लोगों को फिर सीरम दिखा देता हूँ, बड़ी अच्छी क्वालिटी के, आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके मैंने नंबर दिया हुआ है, आप लोग मंगवा सकते हैं। बाकी आप लोग घरों में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, मैंने कहा आप लोगों को बता दो, ये जो हमने किट लगाई हुई है ना, वो जो लिक्विड वाली होती है अभी अंदर लगी है, उसका इतना फायदा है कि ये मच्छर देखे, ये सारे मच्छर मरे पड़े हैं, जितने मच्छर अंदर आते हैं सारे मर जाते हैं, तुम्हारे बच्चे जो उनसे ना माशाल्लाह फिर सेफ रहते हैं। इससे पहले हमें वैसे टेंशन थी किट से पहले कि हम लोग क्या चीज लेके आए क्या ना लेके आए, चलो मैं इसकी टांगे भी तोड़ देती हूँ, मच्छर की टांगे तोड़ती, कब तोड़ती है हमें तो पता नहीं लगता, मच्छर ये भी कहता है कि ये कौन तोड़ा। बहरहाल आप लोग भी घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे तो आप लोग भी ये वाली चीज जरूर लें, कोई मच्छर मारना नहीं पड़ता, खुद ब खुद सारे मच्छर मर जाते हैं। हाँ, वैसे मैं पहले इससे नाराज हो गया था, लेकिन एक मौका हम इसको फिर दोबारा देते हैं, अगर तो इसने ठीक कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैंने कभी मार्शमेलो नहीं लेके देना आपको, ठीक है। मैं हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? वाह, ये था ना, ये चाहिए था मुझे, अच्छा बोला, तो बोलो थी 1 2 3 स्टार्ट। ये बोल गया ना, 1 2 3 गो हो गया, 1 2 3 स्टार्ट।
वो मैंने छोड़ दिया अभी, तो ये वाला इस्लाम कर दिया। बहरहाल हम लोग गली पुर अंदर चले गए थे, इसलिए जो है ना आयशा का ये वाला इस्लाम खत्म हो गया था। अब आपने हर रोज व्लॉग में स्टार्ट में ये इस्लाम किया करना एनर्जी वाला, ठीक है? डन डन करो, डन करो, जल्दी करो, डन करो, ये हमारा डन नहीं। सही बात है, जो शहरी में लस्सी पी के नींद आती है ना, वो नींद मेरे ख्याल से कहीं नहीं आती। जब इंशाल्लाह रमजान मुकम्मल भी हो जाएगा ना, मेरा तो फिर भी प्लान है रात को सोने से पहले लस्सी पी ली और सुकून की नींद आ गई। नहीं एक साथ अभी का मतलब घर में ये सीन चल रहा है कि सबसे लास्ट में मैं उठ रहा हूँ, बाकी सारे मतलब उठ जाते हैं, आयशा को छोड़ के अक्सर उठ जाती है, अब्दुल्ला भी एक साहब को उठा ही होता है, वो लगा ही रहता है इसके साथ उठ के बातें करने के लिए। और सही बात है, मैं सबसे एंड में बाहर निकल रहा हूँ। बाकी जब से हम लोग इस घर में आए थे ना, हमने काम वाली लगवाई थी सिर्फ सीढ़ियों के लिए, ऊपर से लेके सारी नीचे सीढ़ियों तक। हम मैंने दोबारा टेंशन हुई कि भाई काम वाली छोड़ के चली गई या कोई सीन बन गया इस तरह का, 1000 लेती है महीने बाद, लेकिन मेरे ख्याल से हफ्ते में 2 से 3 बार जो है ना या 4 बार सफाई करके चली जाती है, क्योंकि जब भी हमने अक्सर आके देखा ना सीढ़ियाँ साफ ही होती, कभी गंदी नहीं हुई ये वाली सीढ़ी। और बाहर का मौसम ये है कि फुल बादल बने पड़े हैं आज सुबह है, आजकल मौसम जो सा बादलों वाला चल रहा है। बल्कि कल अलीपुर काल पे हमारी बात हो रही थी, उतार थे कि बारिश हुई है अलीपुर में, बारिश के सुन के मैंने अलीपुर जाने का प्लान बिल्कुल कैंसिल कर दिया। मैंने कहा नहीं अभी नहीं जाना, बारिश जब खत्म हो जाएगी ना फिर जाएंगे, क्योंकि अलीपुर का पूरा रोड बारिश के साथ ना इतना बुरा हुआ पड़ा होता है, बुरा हो जाता है, पता नहीं यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरा रेड़े खराब हुई जा रहा है। मैं वाकई मैं फील कर रहा हूँ, बारिश कह रहा हूँ बुरा हो किस तरह, पता नहीं क्या है ये, क्या हो गया मेरा मुझे, ये मेरे साथ क्या सीन बन गया। मड़ा बाल बच्चा किधर गया, बाल बच्चा मड़ा किधर गया, किधर? नहीं नहीं नीचे कोई भी नहीं है, जाके देख लो नीचे कोई आपी शापी कुछ भी नहीं है, मामा भी अंदर आ गई हुई है, नहीं आया आज कोई बच्चा, नहीं खेलने आया, मौसम ठंडा की हो गया। अब वो पानी वाला पहले आ गया, मैंने तो कहा दफ्तारी के बाद आना, अक्सर वो पानी खा, वो बोतल खाली करें यार, बल्कि बढ़ाने दे बोतल ना खाली करें, मैं उसे 2 बोतल ले लेता हूँ, मैं उसको कर लूंगा कोई नहीं मसला। अक्सर आप मेरे आने तक जरा अपनी वीडियो चेक करें कि जो मैंने एडिटिंग में मसला हल किया वो वाला हुआ है कि नहीं। अभी सामने ब्लॉग चल रहा है, मैं भी आके एक दफा देखता हूँ कि हमारा जो मसला आ रहा था एलईडी पे वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ अभी। मैं यहाँ से गुजर रही हूँ, मुझे छेड़ा चिटिया मार के, ये देखे क्या कर रहा है, ओए तेनू शर्म नहीं आती है, तेनू शर्म नहीं आती छेड़ना पै मेनू मासूम नू, पढ़ा मैं तेनू। फाइनली जी हमारे मुंह जो है ना एलईडी में बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मैं ना ऑन करता था स्मार्ट एचडीआर, एडिटिंग करते हुए ना उसमें एक ऑप्शन आता है, मैं उसको ऑन करता था, उसकी वजह से सारा मसला आया आ रहा था। कुछ एलईडीज होती है जो सपोर्ट नहीं करती, नहीं अक्सर उसमें फिर जोन से ना बंदे के मुंह पर पता नहीं लगता है क्या हो गया, काला ही हुआ पड़ा है सारा, मतलब के डार्क सर्कल पड़े हुए हैं, मुंह पे भी दबे पड़े हुए हैं, ये सीन बन रहा था ना। मतलब कि एलईडी में स्मार्ट एचडीआर नहीं था, मोबाइल्स वगैरह में सारा कुछ सपोर्ट हो जाता है लेकिन एलईडी में नहीं था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा मुंह बिल्कुल ठीक हो गया। आज मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, क्या मुझे ये जो तोता छेड़ रहा था, मैं गुजर रहा था सीटियां मार रहा था मुझे देख के, देखे है आपको भी छेड़ा उसने, उसकी आदत है, फिर तो मुझे उसका गला घोट देना चाहिए, आपको भी छेड़ा था, नहीं मैं जाके मजाक कर रहा हूँ, देख के ना बड़ा क्यूट लगता है छोटा सा तोता है, और देख के ना ऐसे सीटियां मार रहा है, जब आ रहा था ना ऊपर तब सीटियां मार रहा था मुझे देख के जी। कौन अच्छे हैं नहीं नहीं मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ, मैंने से कुछ नहीं कटा, मैं अभी जान कह रहा हूँ मामा को। अब्दुल्ला भाई साहब अंदर राम सुकून से जाग रहा है, लेटा हुआ है, खेल रहा है, अच्छा। कोई टेंशन नहीं है कि मेरे को कौन गुजर के जा रहा है, मैं रोना है या नहीं रोना है, या मैंने चुको या नहीं, उसको पता है मेरी अम्मी अब्बा बाहर काम करने लगे, मैं अच्छा बच्चा बन जाऊँ, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। आप किधर जाने के लिए रेडी हो रही हो? मार्शमेलो, पर अभी तो मैं जा ही नहीं रहा मार्शमेलो लेने, अभी तो घर की इफ्तारी वगैरह करनी है। हाँ जी कोई मार्शमेलो नहीं है अभी, बाद में देखेंगे अगर बाहर में गया तो। जी आज के हमारे लास्ट नगेट्स और लास्ट समोसे, ठीक है, इसके बाद हमें नया या तो डिब्बे लाने पड़ेंगे या हम लोग जो वही रूटीन, हाँ खजूरें भी लास्ट हो गई हैं, वाह जी वाह सारा कुछ ही लास्ट हुआ पड़ा है यहाँ पे, तो फिर हम जाएंगे दोबारा एक दफा थोड़ी सी ग्रोसरी कर आएंगे सिर्फ रमजान से रिलेटेड। और मजे की बात ये, जब सर्दियां थी ना तो हमारा पानी आ रहा था गर्म, वो पानी बड़ा ही मजे का लगता था कि यार गीजर वगैरह लगवाने की जरूरत नहीं पड़ी, पानी हमारा गर्म आ रहा है। और अभी का सीन ये बन गया, ऐसा मैं पता है मैं अभी फ्रेश हो गया, पानी इतना गर्म आ रहा है, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं अपने सर के ऊपर पानी डालूं, दिल कर रहा था कि ठंडा ठंडा पानी है। मौसम काफी चेंज हो गया, मैं अक्सर अंदर बताता हूँ ना तो कुछ लोग कहते हैं अली भाई इतना मौसम तो चेंज नहीं हुआ, हमारे सीरियसली बहुत मौसम चेंज हुआ पड़ा, हम लोग रात को फैन चला के सो रहे हैं अच्छी खासी स्पीड पे, दिन के टाइम भी हमने अपने फैन चलाए होते हैं, हमारे साथ ये सीन चल रहा है हमने फैन चला के रखे होते हैं अपने, की सड़ी जा रहे हैं। मैं तो थोड़ी सी बात बताने चला गया था, पिछड़े मैं निकाल देता हूँ पिछड़े छोड़े। हैरानगी वाली सारी ये बात है, या शायद अक्सर ने कुछ चीजें इस तरह मैनेज की है कि सब कुछ आके ना
बारह रोजे पूरे करके खजूर भी खत्म हो गई, समोसे भी खत्म हो गए, और जो दही बल्लों के लिए हम लोग लेके आए थे ना वो बुल्कियां सी ब्रीक वाली, वो भी खत्म हो गई। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, ये भी हमारे पैकेट जो है ना वो सारे खाली हुए पड़े, हर चीज हमारी जो है ना एंड हो गया हुआ आज। मामा हमेशा की तरह पहले ही अफतारी लगा के बैठ गई इतनी जल्दी है, अफतारी का अभी टाइम ही कोई नहीं हुआ है, तीनू छोटे थे अभी तो अफतारी का टाइम ही नहीं हुआ, जाओ मैं ना भी खा एक ही है बंदा सीधा बेंदा है ऐसे करके देखता है, जो कोई बड़े गौर से देख रहा होता है ना तो ऐसे करके देखने लग पड़ता है, इस तरह से ज्यादा स्कैन होता है मेरे ख्याल से, ज्यादा स्कैन हो जाता है, अच्छे ज्यादा स्कैन हो जाता है। मामा फेस वॉश करने के लिए लेके जा रही है, बाय 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 बाय। रोजा अफ्तार हो गया है, इसका पहली हो गया हुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु वबिका आमनतु वअलैका तवक्कलतु वअला रिज़्किका अक्तरतु।